देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर के डियारा सेक्टर स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही हनुमान भक्तों का तांता लगा रहा और मंदिर परिसर में सुंदरकांड व हनुमान पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंदिर कमेटी व समस्त शहरवासियों के सहयोग से मिलकर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। हर वर्ष की भांति इस साल भी हनुमान जयंती के अवसर पर डियारा सेक्टर स्थित हनुमान मंदिर को खूब सजाया गया, जहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हनुमान मंदिर के पुजारी बाबू राम ने बताया कि बिलासपुर के डियारा सेक्टर स्थित हनुमान मंदिर में कई वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होता आया है और यहां आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जो हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, ये एक हमारे हनुमान मंदिर सामुदायिक निर्माण भवन कमेटी एक बनी है, उसके माध्यम से पिछले कई वर्षों से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। बड़े विस्तार पूर्वक भंडारा किया जाता है और आज के दिन जो है वो हनुमान जी की पूजा के लिए श्रद्धालु सुबह से जो है वो मंदिर में चल रहे हैं और सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं। बड़ा विशाल हवन यज्ञ किया गया, उसके बाद जो है अभी 10-12 बजे से हमारा जो है वो भंडारे का काम शुरू होगा। उससे पहले प्रसाद वितरण, फूल चार और कॉफ़ी आदि का जो है आयोजन किया जा रहा है। इससे जो है हनुमान जी कलयुग में एक आज भी चिरंजीवी हैं, इनकी जयंती नहीं होती, इनका जन्म हुआ है और जन्मोत्सव इसको मनाया जाता है, ताकि आज सब प्रकार का है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जप्त निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जो ध्यावे, और सब पर राम तपस्वी राजा। इनके इतने जो है जितना इनका गुण किया जाए उतना ही कम है। स्वयं भगवान शिव के अवतार है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इस प्रकार से हनुमान जी की जो जन्मोत्सव पर आज वो बड़ी धूमधाम से जिला बिलासपुर के डेरा सेक्टर में मंदिर न्यास के अधीन हनुमान जी के मंदिर में जो जन सहयोग से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।